हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हियर दिस इज सी एस प्रियंका। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स। आज कैलकटा में बहुत बारिश हुई है मॉर्निंग से। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एंड प्लीज कैलकटन्स, सो मत जाइएगा। दिस इज नॉट टाइम टू स्लीप। दिस इज द टाइम फॉर हार्ड वर्किंग, बिकॉज 10 days आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, फाइन मैम, गॉट इट। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे CA, CMA, CS स्टूडेंट्स लोगों की क्वेरी आ रही है कि मैम बता दो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ऑलरेडी सर ने अप्रोक्सीमेटली 3 वीडियोस बना चुके हैं सर इस चीज़ के ऊपर में। स्टिल मैं उन स्टूडेंट्स, प्लीज़ रैदरवाइज मत लीजिएगा कोई स्टूडेंट्स कि आप लोग बार बार एक ही वीडियो बना रहे हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, जिन लोगों ने नए ज्वाइन करा है अभी, लोगों के पास अभी ना तो इतना टाइम है वीडियोस देखने का। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करना है और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो चलिए मैं बता देती हूँ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम ऑफ योर्स इवन माइन। ठीक है, तो आपको सबको ऑलरेडी सर ने बता दिया था, फिर से मैं वापस बता देती हूँ। सिर्फ ये फिनेंस अकाउंट्स वाले हैं, अकाउंट्स वालों के लिए है। एडमिन वाले बच्चों की बेचारों की कोई क्वेरीज नहीं आती है, सिर्फ अकाउंट्स वाले बच्चों की आ रही है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियोज़ मैंने बना दी है कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैम कैसे पढ़ें और कैसे नहीं पढ़ें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, प्लीज़ 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 इस वैकेंसी को लेकर बहुत सीरियस हो जाइए। ऐसी वैकेंसी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आती है। ना तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ना ही इसमें सेक्शनल कट ऑफ है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। ठीक है मैम, ध्यान में रखेंगे। तो मैं सबसे जल्दी जल्दी आपको बता दूँ कि 60 questions पूछेंगे। 60 questions विल बी आस्क्ड फ्रॉम टेक्निकल। ओके मैम, फ्रॉम टेक्निकल दे विल आस्क इंडिविजुअली। 2 marks के होंगे, दैट विल कंप्राइज यू 120 marks। तो अकाउंट्स वाले बच्चे, CA, CS और CMA, ये आपके लिए जो है ना, ये लॉटरी है। क्या है? लॉटरी है। यही 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 जो चीज है, यहाँ पे आपको मार्क्स गेन करना है। अगर आपने यहाँ पे 100 marks भी गेन कर लिए ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये लोग 60 क्वेश्चन जो हैं, दे विल आस्क फ्रॉम नॉन टेक में ये लोग अजीब अजीब चैप्टर्स लेकर के आए हैं। हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। क्या मैम बता दीजिए? एक तो ये लोग यार एथिक्स पूछते हैं, एथिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है मैम, समझ गए। और उसके बाद में ये लोग पूछ रहे हैं आपको अग्री एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, फिर भी ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सारे 15 marks के पूछे जाएंगे, ये भी 15 marks के होंगे। मैम ये लोग मैथ्स रीजनिंग पूछ रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग ये 15 marks के होंगे। कंप्यूटर पूछेंगे, इसके अंदर में कोई कंप्यूटर आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर पूछ लिया जाएगा। GK, जनरल अवेयरनेस, ये सारे टोटल मिला करके जो हैं आपके कितने हो जा रहे हैं, 15 × 4 कर लो, 60 हो जा रहे हैं। 60 marks के ये आएंगे टोटल जो है आपका। 120 प्लस 60 है, तो 180 मार्क्स का पेपर है। ठीक है मैम, हमने अब सब चीज़ें पढ़ ली, हमने नोट्स पढ़ लिया आपके, बहुत अच्छा किया आपने। हमने आपके जितने चैप्टर वाइज MCQs हैं वो सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छी बात है। ये मैं बता रही हूँ सिर्फ टेक्निकल की, हमने ये करा है अभी तक। हमने मैम आपके जितने भी पुराने जो पास्ट ईयर पेपर्स थे वो हमने सॉल्व करे। ठीक है मैम, समझ गई मैं। उसके बाद मैम जो आप इसके अंदर में ना, आप लोग डेली टेलीग्राम पे आप लोग जो पोस्ट कर रहे हो, फिनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, GK, ये सारी चीज़ें, मैथ्स रीजनिंग, ये सारी जो चीज़ें पोस्ट कर रहे हो वो भी हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मैम समझ गए मैम, मैं ये सब सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मैम एग्रीकल्चर में बहुत डर लग रहा,
एग्रीकल्चर में मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर के हमने MCQs दे रखे हैं, आप प्लीज़ अब कोई नोट्स, अब ये टाइम नहीं है नोट्स पढ़ने का, नोट्स मत पढ़ने जाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ हमारे MCQs सॉल्व करो। कहीं पर दिक्कत होती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती है, तो उस चीज़ को रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करके क्या करोगे, रिपोर्ट करके हमारे पास आएगा और हम आपका रिस्पॉन्स या तो प्रॉम्प्ट दे देते हैं या विद इन 48 आवर्स हम ज़रूर दे देते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो डेफिनेटली हम कॉल पे भी एंटरटेन करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और जैसा कि सर ने भी बताया था, मैनेजमेंट को लेकर के आप लोग परेशान हो, CA CS वाले बच्चे, तो यार आप प्रोफेशनल हो, मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, मैनेजमेंट ऐसा लेवल का आएगा ना कि आप करीब करीब उसमें 6 या 7 नंबर तो आराम से ही स्कोर कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसके अंदर में, चीज़ें आप समझ जाओ। तो आपको अब किसके ऊपर फोकस करना है, अब आपको क्या करना है, आपने सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें कर ली, ठीक है, GK भी आपने पढ़ लिया, आप जो फिनेंस जो हमारा टेलीग्राम पे आता है, मैथ्स और रीजनिंग वगैरह भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करते ही हो, ठीक है, सब कुछ देख लिया, अब आपको क्या करना है, फाइनल टच। अब क्या है, अब मेरे पुराने बच्चे और मेरे नए वाले बच्चे भी क्या करना है, आप लोग को फाइनल टच देना है, क्योंकि अब क्या है ना, अब 10 दिन बचे हैं बच्चों, अब मोटी मोटी किताबें मत पढ़ना, सिर्फ फाइनल टच दो। कैसे फाइनल टच दें मैम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सबसे पहला क्या करना आपको, सबसे पहला हमारे पहले अकाउंट्स पकड़ लो, ठीक है, अकाउंट्स पकड़ लो। अकाउंट्स में देखो, जाओ हमारे स्टोर में, हमारे कंटेंट में जाओ, अकाउंट्स के जितने भी कंटेंट हैं वहाँ पे सारे MCQs एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, ठीक है। जो नहीं समझ आ रहा आपको, जो नहीं आपको अभी भी नहीं आ रही है, वो आप एक कॉपी में ड्रॉट डाउन कर लो कि हमें नहीं आ रहा, ठीक है, अकाउंट्स हो गया। फिर आप जाओ लॉ के अंदर में, लॉ के अंदर में जितने MCQs सारे हैं आप सॉल्व कर लो, नहीं समझ आ रहा कॉपी में ड्रॉट डाउन कर लो। ये कॉपी में ड्रॉट डाउन करना बहुत कंपल्सरी है, ये चीज़ आपको लास्ट दिन समझ आएगी, आज आपको समझ नहीं आएगी, बट मैं ये सच बता रही हूँ। तीसरा में जाओ, थर्ड में जाओ, अकाउंट्स कर लिया, लॉ कर लिया, एफएम में जाओ, सेम MCQs करो सारे, कॉपी में ड्रॉट डाउन करो। और अब इतना टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम मत लेना, दो दो सब्जेक्ट करके एक एक दिन में पकड़ो, ठीक है। फोर्थ वाला जो है कॉस्ट करो, ठीक है, कॉस्ट में सेम वही कंडीशन फॉलो करो। फिफ्थ वाला जो है वो आप क्या करोगे, टैक्स पकड़ो, टैक्स में भी सेम चीज़ें फॉलो करो। प्लस इसके साथ और आपको क्या करना है, ये तो आपने कर लिया, अब ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया, अब प्लस क्या करना है आपको, ये आपने दो दो सब्जेक्ट करके एक एक दिन पकड़ा, प्लस आपको एग्रीकल्चर के, मैनेजमेंट के जितने सारे MCQs है ये एक दिन पकड़ो, ठीक है। तो ये एक दिन हुआ, ये दो दिन हुआ, ये एक दिन हुआ, दो दिन, और ये टैक्स के साथ में ये वाली चीज़ें पकड़ो, ये तीसरे दिन हुआ, ये तीसरे दिन का आपका रिवीजन है, ठीक है। चौथे दिन आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट आपने भी कर लिया, अभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्या बच गया आपका, अभी जो बच गया आपका ये GK, देखो GK जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस, ये आपका रेगुलर चलता ही है, ठीक है, दिस इज अ रेगुलर कंसेप्ट, ये रेगुलर करना ही है। ये 3 दिन के अंदर अंदर आपने सारे MCQs सॉल्व कर लिए, अब क्या करो, 3 दिन हो गए, फोर्थ डे को आप पास्ट ईयर पेपर उठा करके सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। करीब करीब आपको इसमें भी 3 दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन मत लेना है इसमें, तो आपके हो गए यहाँ पर देख लो 3 दिन, यहाँ पे 4 समझो, ठीक है, सो 7 दिन यहाँ पे हो गए, 7 डेज हो गए। अब आप जब 7 डेज के बाद अपनी कॉपी खोलो, कहाँ कहाँ आप गलत थे उस चीज़ को वापस से रिवाइज करो, यू नीड टू रिवाइज इट अगेन, ओके। तो वापस से रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे जो भी है ये वाले जो रिविजन है ये करते जाओ। प्लस लास्ट डे का जो रिविजन है, सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज एक बार सारे फॉर्मूलाज देख लो, कॉस्ट के, मैथ्स के, इन सब के फॉर्मूलाज वगैरह देख लो, FM के, ठीक है, सेक्शन नंबर्स थोड़े देख लो, लॉ के, GST के, इनकम टैक्स के,
ये आपके आपको लास्ट दिन पे करना है। तो ये हो गया आपका, आपको मैं बता रही हूँ कि विद इन 10 डेज आप एकदम गजब का एकदम शानदार अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये तरीके से, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब आपका डिसीजन है, आप किस हिसाब से करना चाहते हो, आप अपना। और डेली जो हम डेली के जो टेस्ट सीरीज डाल रहे हैं वो आपका आपको प्रेशर करेंगे, टेस्ट सीरीज वो आपको फोर्स करेंगे कि भैया तुमको कुछ नहीं आता, तुम पढ़ लो, अब भी टाइम है, पढ़ लो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है, प्लीज़ काइंडली प्लीज़ पढ़ लो, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप लोग खुद डिस्टर्ब्ड हो, कुछ समझ नहीं आता। हाँ होता है एग्ज़ाम्स में कुछ समझ नहीं आता, अगर कोई गाइड करते तो बहुत अच्छी बात है। ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें सर ने पहले भी बता चुकी है आप लोगों को, मैंने फिर से बता दिया आपको। तो ऐसे ऐसे करके आपको लास्ट टाइम रिवीजन करना है, और हम आपके सपोर्ट के लिए 100% हैं, उसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। प्लीज़ 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 मार्केट के लोगों की बातें नहीं सुनिए, हम जैसा आपको गाइड कर रहे हैं हम बेस्ट गाइड कर रहे हैं आपको। आज 200 स्टूडेंट्स ने हमारे प्लेटफॉर्म से क्लियर करा है, मोस्ट ऑफ देम आर सिटिंग एट वेरी रिनाउंड पोजिशन। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अच्छे, आज भी उनसे बात होती है हमारी, ठीक है। तो प्लीज़ मार्केट में जो अफवाहें जो रूमर्स फैलाई जा रही है एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान दो, प्लीज़ उन रूमर्स को मत फॉलो करिएगा, ठीक है। उनका इंटेंशन यही है आप लोगों को डाइवर्ट करना, तो काइंडली मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, जैसा सर ने बोला है आप वैसा ही करो, जैसा हमारी टीम ने एनालिसिस करा है आप वैसा ही करो, क्योंकि हम आपकी भलाई चाहते हैं, हम आपका कोई बुरा नहीं चाहते। और अगर बुरा चाहते होते तो शायद हम आपको इतना सपोर्ट नहीं करते। आप खुद देख सकते हो हमारी सपोर्टिव टीम एवर टाइम रेडी रहती है, एंड ड्यूरिंग दिस एग्जाम्स पहले भी कभी भी इतना टाइम नहीं लगता था, हम प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देते हैं आपको। वी आर नॉट हियर टू डू एनी ट्रेड और बिजनेस विथ यू, हमें स्टूडेंट्स का करियर बनाना है, हमारे हाथ में है, हमारा फ्यूचर है, आपने अपना फ्यूचर दिया है हमारे हाथ में, तो हम वही करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुछ हैं, कुछ लोग हैं मार्केट के जो हमारे ही चीज़ें कॉपी कर करके बोल जाते हैं, तो उन पर प्लीज़ आप ध्यान मत दो, जैसा कि सर ने बताया आप प्लीज़ काइंडली वही चीज़ें फॉलो करो, दैट विल बी इनफ। एंड प्लीज़ यार इन डेज के बारे में मुझसे मत पूछो बार बार, ऑलरेडी सर ने बता दिया है इन डेज में क्या करना है। इन डेज में आपकी एप्लीकेबिलिटी आएगी, एप्लीकेबिलिटी भर भर के क्वेश्चन करते हैं लेकिन इससे एप्लीकेबिलिटी पूछेंगे, ठीक है। इन डेज किस किस को एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबिलिटी पूछ लेंगे, ठीक है। नंबर्स पूछेंगे, कौन से नंबर में क्या आता है क्या नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं इंडियास में। इंडियास अब आप सी ए फाइनल के लेवल का अगर पढ़ के चले जाओगे तो उस लेवल का तो आना नहीं है, यहाँ पे ये PSU एग्ज़ाम्स है डियर, यहाँ पे आपके कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ये जो है ये PSU एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ सिर्फ आपके आपके कंसेप्ट चेक करेंगे ये लोग कि आप कंसेप्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं सबसे ज़्यादा। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, अगर आप नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो PSU के इंटरव्यू में आप कैसे कर जाएंगे। तो नर्वसनेस को छोड़ दो, जो आता है ठीक है, जैसा आता है अपना बेस्ट देना है, आपको सब कुछ आता है, आपने CA किया है, आपने CS करा है, आपने CMA करा है, यार आपने इतनी बड़ी प्रोफेशनल डिग्री आज के डेट पे कॉमर्स में ये तीनों ही मानी जाती है, ठीक है। MBA भी है भाई, MBA का भी नाम लेना पड़ेगा, तो ये तीनों जो डिग्री है ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, अगर आप इतने रिनाउंड प्रोफेशनल्स हैं, आपने सब कुछ पढ़ा है अपने टाइम पे, तो जब आपने ये कर लिया तो ये आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इजी। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्लीज़ पैनिक मत करिए, और प्लीज़ मार्केट के रूमर्स को रहने दीजिए, कौन क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा, अश्विनी सर पे बिलीव करिए और जय श्री राम बोल करके अपना और अपने एग्जाम्स को स्टार्ट करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हमारे ही ग्रुप से हो, एंड प्लीज़ प्लीज़ जो स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं आगे आइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए लोगों से, सो दैट वो दूसरों के जीने का मकसद बन जाए, दूसरे आपको फॉलो कर सकें, यही चीज़ मैं चाहती हूँ। सो थैंक यू गाइज,
आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ मेरी इस वीडियो को सुना. थैंक यू सो मच. अच्छे रहिए, सेफ रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.